हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, फिर से आप सभी को नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लास दिया था बायोलॉजी का। मैंने आप लोग को बताया था किस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी की जो क्लासेस देना शुरू कर दूंगा बहुत जल्द। तो ठीक, आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जैव प्रक्रम पोषण, इसको लेकर के मैं आया हूँ। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग अब नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप सबका सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि आप सब आगे बढ़े और इस चैनल से आप सब लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, मैं पहले बता दिया हूँ कि यह चैनल उस विद्यार्थियों के लिए जो कि ना के बराबर बायोलॉजी जानते हैं, ना के बराबर मैथ जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हैं, ना के बराबर उन सभी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए यह चैनल बनाया गया है, ताकि वो भी विद्यार्थी आगे बढ़ पाए। ठीक है, और पूरे कंसेप्ट के साथ जो भी विद्यार्थी अगर समझ नहीं पाते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप आइए हमसे डिस्कस कीजिए, मैं आप सभी के बीच हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं, हताश मत होइए। मैं हूँ राहुल सर, मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट कर करके मैं आप सबको आगे पढ़ाता रहूँगा। तो दोस्तों, बहुत सारे टीचर करते हैं क्या कि कैंची मार करके पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों को तो पता ही चलता ही नहीं कि अब क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, उसको एक चैप्टर से मतलब रहती है जिस तरह के माइंड में टीचर उनको देते हैं। बट राहुल सर, ऐसा नहीं है, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदुओं को फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि एक एक पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो एग्जाम में विद्यार्थी नहीं लिख पाता है, उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो इसीलिए मैं, आप लोग देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट मैं इस चैप्टर को यहाँ पर नोट किया हूँ और मैं समझाऊँगा कि ये होता कैसे है। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें और इस वीडियो को जहां तक हो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों कहते हैं कि सर इतना कीजिए कि आपसे जलने वाले भी आपका साथ देने लगे। इसलिए अपने संघर्ष को कामयाब रखते हुए, संघर्ष को आगे रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। समस्या एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। इसीलिए समस्याओं से कभी भी घबराइए नहीं, इसे स्वीकार कीजिए। समस्या आएगी, उसका समाधान होगा ही। इस पृथ्वी में जितनी भी समस्या है, सबका समाधान किसी न किसी कहीं ना कहीं तरीके से होता है दोस्तों। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैं राहुल सर आप सभी को अच्छे से अच्छे पढ़ाने का काम करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें आप लोग देख रहे हैं जैव प्रक्रम पोषण, बायोलॉजी क्लास 10th। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। हमारे इस वीडियो में सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए और जैसे ही बताएंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में इसको लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं टू द पॉइंट पर। जैव प्रक्रम पोषण दोस्तों, इसमें दो बात आती है, जैव प्रक्रम पोषण। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम पोषण में सबसे पहले मैं आप लोग को जैव प्रक्रम के बारे में बताएंगे, फिर पोषण के बारे में बताएंगे दोस्तों। और जैव प्रक्रम में सबसे पहले जो बातें होनी चाहिए, जो बेसिक बातें होनी चाहिए, जो आजकल के टीचर लोग बहुत कम बताने का काम करते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जैव प्रक्रम में सबसे पहला बात होती है दोस्तों, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव के बारे में। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि मनुष्य सजीव है, मनुष्य सजीव है, जितने भी श्वसन गति करते हैं सब सजीव है। लेकिन कुछ कुछ एक ऐसे भी उदाहरण है जो सजीव हैं परंतु हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि सजीव कैसे है ये। जैसे पेड़ पौधा दोस्तों, तो सजीव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेड़ पौधा जितने भी वृक्ष हैं ये सब क्या है, एक लिविंग कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। किस में आता है? लिविंग कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सजीव कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि अब ये आप लोग को माइंड में आएगा कि सर वो तो मनुष्य की तरह, जानवरों की तरह तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाता नहीं, स्थानांतरण होता नहीं उसमें, तो फिर वो कैसे सजीव कैसे हो गया दोस्तों? सर समझने वाली बात है दोस्तों, समझ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, समझिए। देखिए, पौधा एक छोटा सा, सबसे पहले जो हम लोग उसको बीज बोते हैं मिट्टी में,
तो बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे उसके आकार में परिवर्तन होता है। आकार परिवर्तन, यहां पर समझने वाली बात है दोस्तों, आकार में परिवर्तन या फिर आकार में परिवर्तन होने का मतलब ही हो गया सजीव। कहिए क्यों? क्योंकि उसमें देखिए, उसमें तो जो भी है, आप जिस तरह के मनुष्य हैं तो मनुष्य छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, शिशुअवस्था होते हैं, फिर आगे चल के युवावस्था जो भी होते हैं, तो धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो पौधों में भी वृद्धि होती है, परंतु होता क्या है, उस वो भी भोजन करते हैं। जिस तरह हम लोग भोजन करते हैं तो पौधे भी भोजन करते हैं, और वो भोजन से वो वृद्धि करते हैं, और वृद्धि उस और भोजन के साथ साथ वो ऑक्सीजन भी लेते हैं दोस्तों, इस वायु से वो ऑक्सीजन भी लेते हैं। और किसके माध्यम से लेते हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा दोस्तों। पौधा जो है प्रजनन करता है, वो उसमें वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो उनके जल जो जितने भी होते हैं, जल जिस सूरज का प्रकाश हो उसके कारण क्या होता है, वो पौधे गति होती है, जल होना जरूरी है, ग्लूकोज होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, ऑक्सीजन होना जरूरी है उसमें। तो पौधे भी क्या हो गया, एक लिविंग कैटेगरी में उसके रखा गया है, क्योंकि वो उसकी वृद्धि होती है उसमें, छोटा है तो धीरे बड़ा होगा, फिर विशाल होगा, फिर पत्तियाँ, बहुत पत्तियाँ होगी, तो क्या होता है ना, पौधे वो अपने पत्ती के छिद्र द्वारा शोषण करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट पूछा जाएगा दोस्तों कि पत्ते का जो है रंग किसके कारण वो हरा दिखाई देता है, तो क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण वो पत्ते हरा दिखाई देता है दोस्तों। क्लोरोफिल के बारे में हम लोग अच्छे से विस्तार से जानेंगे दोस्तों, ठीक है, और अच्छे से जानेंगे। सिर्फ आप लोग को मैं एक अभी आप लोग को हाईलाइट किया हूँ, दिमाग में रिमेन दिया हूँ, ताकि इस पर आप लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, सर्च करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव की बात करते हैं दोस्तों। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु, जिसमें जनन है, प्रजनन है, जिसमें वृद्धि है, वो सब क्या हो गया, वो लिविंग सजीव हो गया दोस्तों। जिस तरह मनुष्य देखिए, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब क्या हो गया, एक लिविंग कैटेगरी में इसको रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि नॉन लिविंग के बारे में दोस्तों, यानी कि निर्जीव। हम इस वातावरण में बहुत सारे चीजें ऐसे देखते हैं जिसमें गति नहीं होती है, जो स्थान परिवर्तन नहीं कर पाता है, जिसमें पोषण नहीं होता है, जिसमें प्रजनन नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, ये जितने भी हैं, ये इस तरह के वो सब क्या हो गया, नॉन लिविंग कैटेगरी में दोस्तों आता है। क्या हो गया, नॉन लिविंग, जो प्रजनन नहीं करता, जो गति नहीं करती है, जो एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जा पाती है, जिसको मतलब हम अपनी सहायता से उसको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे टेबल कुर्सी हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, नॉन लिविंग दोस्तों हो गया। इस पर भी चर्चा हम और विस्तार से करेंगे। पहले आज हम बात करते हैं जीव प्रकरण पोषण। अब दोस्तों सजीव निर्जीव के बारे में तो पता हो ही गया दोस्तों। देखिए, अगर व्यक्ति में जो भी लिविंग है उसमें शोषण अगर नहीं हो पाएगा तो वो समझिए वो नॉन लिविंग है, मतलब वो कुछ नहीं है। अगर हम सांस नहीं ले पाते हैं दोस्तों तो समझिए क्या हो गया, एक मरा हुआ है आदमी। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, जिसके कारण हम लोग अभी जीवित हैं, ये एक समझिए सजीव कैटेगरी में आता है। चलिए बात करते हैं जीव प्रक्रम की परिभाषा को देखते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए, अब किनके द्वारा होता है दोस्तों, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है दोस्तों। अब देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम लोग सपोज खाना नहीं खाए तो क्या होगा, सोचिए, ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, हमें नहीं आएगी। अगर धीरे धीरे करते 5 दिन 6 दिन 10 दिन नहीं खाना खाए, महीनों भर खाना नहीं खाए, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग मर जाएंगे, या हमें लिविंग का कोई भी ऐसा नहीं होगा ताकि हम लोग रह पाएंगे। तो एक कह रहा है कि जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है, जे प्रक्रम कहलाता है दोस्तों। अगर पोषण नहीं हो, अगर पेड़ पौधा में जो चीज़ चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, और जो ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ये सब अगर नहीं होगा तो क्या वो गति कर पाएगा, वृद्धि कर पाएगा, नहीं ना। तो यही है इसमें कहना है, जिनके द्वारा जीवों का रक्षण होता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। इसमें एक खास बात आता है कि दोस्तों, इसके अंदर पोषण की बात हो जाएगी। अगर पोषण नहीं हो तो क्या ऊर्जा मिलेगी हम लोग को,
एक्टिविटी नहीं मिल पाएगी दोस्तों, यही बात है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। जीवित पदार्थ कोई भी जीवित है जो लिविंग हो, नॉन लिविंग की बात नहीं होती यहाँ पे, लिविंग की बात करती। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। अब पोषण ही नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे तो कैसे हो पाएगा। एक विशेष पदार्थ क्या होता है, पदार्थ अणुओं का निर्माण विशेष प्रकार संयोजन होता है जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण होता है संभव होता है। अब जीव का निर्माण कैसे दोस्तों होगा, खाना पीना ये सब जो पोषण जब तक नहीं होगा तब तक ये सारा डिपेंड होता है पोषण पे, ठीक है। पोषण के कारण यह होता है, जीव पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन आपको नाम तो सुने ही होंगे, बहुत ही देखिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको आपके शरीर में और इस पृथ्वी में जितनी भी रोग ग्रस्त वो जीव जंतु बच्चे ये सब की नॉलेज को प्रदान करने वाली एक है, ठीक है। हमारे शरीर में क्या चीज़ की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड की कमी है, उत्तक कोशिका जो भी आती है सब ये बायोलॉजी में आते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जीव द्रव का निर्माण क्या कहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु और भी तत्वों के जो अणु होते हैं उनसे मिलकर के संयोजित मिलकर के जो बनता होकर के वह जीव द्रव का निर्माण होता है दोस्तों, कहते हैं जीव द्रव। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जो जीव द्रव होते हैं ना उसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, जैसे कि शोषण करना हो गया, प्रजनन करना, दहन करना, ये सब वृद्धि करना, ये सब क्या हो गया आपको जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण विद्यमान, सजीव में जितने भी गुण होते हैं वो जीव द्रव में विद्यमान रहते दोस्तों, राइट। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है दोस्तों। मैंने अभी बात किया था पोषण की बात, तो दोस्तों व्यक्ति अगर जीवित रहना चाहेगा तो उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, चाहिए बिल्कुल चाहिए। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो जीवित नहीं रह पाएगा दोस्तों। अगर आप में भोजन का आगमन नहीं होगा, भोजन नहीं करेंगे आप तो क्या होगा, ना एनर्जी मिलेगी, ना ही पोषण होगा, ना फिर वो डेथ हो गया। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ हुई, खाद्य पदार्थों का मतलब क्या, भोजन हो गया यहाँ पे। अगर यह खाद्य पदार्थों की बात करते हैं अगर पेड़ पौधों में तो जो उनमें होते हैं जल, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, पेड़ पौधे में होते हैं, उनका ये खाद्य पदार्थ हो गया। जो पोषण क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं दोस्तों। अब हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि पोषण होता क्या है, ये इस पे ही पूरा चपट टिकी हुई दोस्तों, ये पोषण है ना। अब ये इसमें सजीवों में नहीं होगी तो फिर ये इसे हम नहीं कह पाएंगे, ये लिविंग कैटेगरी में आएगी। अब देखिए सबसे पहले मैं, अब पोषण के बाद तो हम बात करेंगे ही, पहले हम शोषण की बात कर ले दोस्तों। शोषण होती है व्यक्तियों में भी होती है, मनुष्य जात में भी होती है, पशु पक्षी में भी होती है, जीव जंतु में भी होती है और पेड़ पौधे में भी इत्यादि में शोषण होती है। शोषण नहीं होगी तो फिर वो समझिए वो क्या, नॉन लिविंग हो गया। शोषण तो होना ही है। अब देखिए सबको शोषण करने का मतलब ऑक्सीजन लेने का अलग अलग तरीके होते हैं, मेंढक और मनुष्य, पेड़ पौधे, ये अलग अलग है। इसके बारे में हम, इसका एक चैप्टर है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे शोषण के बारे में, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन से व्यक्ति, कौन से जीव किसके द्वारा शोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों का भी सिर्फ इसका शोषण के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहूँगा और आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए इसको पढ़ने का, चैप्टर को पढ़ने का, रीडिंग कीजिए और उसको पॉइंट, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। इसी पॉइंट को नोट करने से यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होने का कारण है कि आप रीडिंग नहीं करते दोस्तों। अगर आप रीडिंग करते हैं अपने बुक को तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा निकल जाता है, ऑब्जेक्टिव आएगा ही। इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिए, हमेशा प्रयास कीजिए कि जो चीज़ पढ़ाते हैं, जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसको रीडिंग करने का प्रयास कीजिए, ताकि रीडिंग करने से होता है दोस्तों क्या कि हम कोई चीज़ रीडिंग करते हैं तो कभी कभी याद रहता है, परीक्षा में अगर जाते हैं तो उससे भी क्या हम लोग उसको लिख पाते हैं, ये समझ पाते हो ये मैंने ये पढ़ा था, तो उससे क्या होगा आपको बेनिफिट प्राप्त होगा दोस्तों। तो शोषण क्या है कि पोषण द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण देखिए यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कीजिए, सरलीकरण, ठीक है। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ, जो पोषण द्वारा जो प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ होता है, जो भोजन जिसको बोलते हैं, जो आवश्यकता होती है
का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है दोस्तों। किससे? उपचयन एवं अपचयन। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि उपचयन होता क्या है, अपचयन क्या होता है, इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। ठीक, आगे ही पढ़ाएंगे आप लोगों को कि उपचयन एवं अपचयन होता क्या है। इस प्रक्रम को हम लोग शोषण बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ, जो पोषण द्वारा जो भी प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ हो, जो भी प्राप्त होते हैं, सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन क्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रम को हम लोग शोषण बोलेंगे दोस्तों। समझ में आएगी दोस्तों? समझ में आ गई? इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट आप लोग, ताकि आप लोग इसको नोट कर पाएंगे दोस्तों। देखिए चैप्टर बहुत ही मजेदार है दोस्तों, ये प्रक्रम पोषण ही बहुत ही मजेदार है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ पढ़ा हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, घबराने की बात नहीं दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर कि मैं जो समझ नहीं पाता या कुछ भी दूसरों का चैनल पढ़ता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई आप लोग आ जाइए, हमसे संपर्क कीजिए, नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस पर शेयर करेंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया दोस्तों, इस पर आप हमेशा व्हाट्सअप से आप कोई भी क्वेश्चन आप हमसे साझा कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आपका सोल्यूशन हो पाए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों पोषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कि एक कोशिका और बहु कोशिकाएं के बीच क्या क्या विभिन्नताएं होती है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक कोशिका है और बहु कोशिका से यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार ऑब्जेक्टिव और कभी कभी सब्जेक्टिव दो नंबर में क्वेश्चन में पूछ देता है दोस्तों। इसको हम विशेष रूप से अभी देखेंगे कि एक कोशिकाएं होता है क्या और बहु कोशिकाएं होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैंने स्टार में लिखा है कि एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों का ग्रहण। अब खाद्य पदार्थों तो मैं समझ आप लोग को बताया अभी कि खाद्य पदार्थों ग्रहण कर रहे गैसों के आदान प्रदान, जो भी एक सरल कोशिका होती है उसमें जो गैस का आदान प्रदान होता है, तो क्या होता है आदान प्रदान एवं अवशिष्ट उत्पादों का निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते हैं, उनमें कोई खास अंग नहीं होते हैं। ये हो गया एक कोशिका में दोस्तों। लेकिन अगर हम बहु कोशिका की बात करते हैं, तो बहु कोशिका में क्या होती है कि बहु कोशिका एक एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है। ये सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, लेकिन ये रहती है। ठीक है, तो क्या कहता है कि बहु कोशिका एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क नहीं रह पाती है, अतः इनमें विसरण की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाएं की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। तो किसमें होते हैं? विसरण के द्वारा जो भी होता है, जो क्रियाएं कोशिकाएं में जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, ये आपका एक कोशिका और बहु कोशिका दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आती है, इसलिए इसको हम और विशेष रूप से आगे जो आने वाला है उसमें एक कोशिका और बहु कोशिका के बारे में बहुत सारे पॉइंट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसलिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, मैं इस पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि इसको आगे हम अच्छे से इसको और देखेंगे। ठीक है, अब देखिए बहु कोशिका में दोस्तों क्या होता है। बहु कोशिका जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों का परिवहन के लिए क्या होता है, परिवहन तंत्र की जरूरत होती है दोस्तों। जब भी उसका जो गैस का आदान प्रदान होगा दोस्तों, वो परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होती है। किसमें? बहु कोशिका में। ये बहु कोशिका में क्या होती है, जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं परिवहन, यानी कि स्थानांतरण उसमें होने के लिए, गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना बहुत ही जरूरी होता है। ये हो गया बहु कोशिका में। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कौन सी कोशिकाएं में जीवों का खाद्य पदार्थों एवं गैसों का परिवहन के लिए डैश की जरूरत होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा दोस्तों। तो जवाब आप लोग को क्या मिलना चाहिए, क्या हो जाएगा, परिवहन तंत्र हो जाएगा सर, क्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम आगे बात करते दोस्तों, कर विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अवशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है दोस्तों। अब देखिए अपशिष्ट की बात होती है, जो यूज करने वाली नहीं हो, अपशिष्ट होता हो जाए गंदा, जैसे कि बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, कुछ भी इसका यूज नहीं हो, तो विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक जिसका कोई काम नहीं हो, हानिकारक अवशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन क्या होता है, उत्सर्जन क्रिया से होता है। किससे होता है, ये पूछ देगा कि
विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अवशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है। ये किसके द्वारा होता है? क्या उत्सर्जन के द्वारा होता है दोस्तों, उत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है दोस्तों, ये आपको याद रखने वाली बात है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, देखिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, एक कोशिका में देखिए क्या होता है, एक कोशिका में जो होता है विसरण वो आसानी से हो पाता है, लेकिन बहु कोशिका में उनके विभिन्न अंगों से मिलकर के हो पाता दोस्तों, ठीक है। इसमें और एक बात आ जाती दोस्तों कि जितनी भी जीवधारी है, क्या है, जितनी भी जीवधारी है वो क्या होती है, जनन के द्वारा वो वृद्धि करती है, किससे, जनन के द्वारा वो वृद्धि करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अब हम आगे पोषण के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है पोषण, ठीक है। ये प्रक्रम तो लगभग आपको हो गया, अब इसमें पोषण की बात आती है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा इससे बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका ये चैप्टर है जिसमें पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पोषण को पढ़ने के मतलब है कि आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोषण होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों कहता है कि जीव जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को दो प्रमुख आवश्यकता होती है, जीवन को जो है ना चलाने के लिए दो क्या कहता है रूप से चलाने के लिए दो प्रमुख आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि क्या कि जीवन की उपापचीय क्रिया के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा कह रहा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे उत्कों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। दोस्तों हम लोग ने कभी कभी देखा होगा, कभी अक्सर ऐसा कभी हो जाता है कि कभी कभी हमारे बॉडी में कभी टूटे फूटे कोई खरोंच लग जाते हैं, ब्लड जाने लगता है, तो उसके लिए पोषण की जरूरत होती है, उसमें क्या होता है जीव द्रव्य निर्माण होना बहुत ही जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। तो क्या कर रहा है फर्स्ट पॉइंट में, अब इसको समझाते हैं आप लोगों को, जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, निरंतर क्या होगा ऊर्जा की आपूर्ति होना उसमें बहुत जरूरी है, अगर ऊर्जा नहीं होगा तो फिर आगे और नियंत्रण नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। ये पोषण में आता है, पोषण में मतलब हो गया कि अगर आप अपने ऊर्जा को मतलब बनाएंगे, ऊर्जा को आप लोग यूज करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऊर्जा के लिए हम लोग पोषण की आवश्यकता होती है, हम लोगों को पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे उत्कों को मरम्मत के लिए जीव द्रव का निर्माण होता है दोस्तों, ये तो समझ गए हैं, कभी कि कट जाता है, कभी हाथ कोई ब्लड जाने लगती है, तो दोस्तों उसमें उसको रोकने के लिए जो उत्कों की आवश्यकता होती है क्या होता है जीव द्रव का निर्माण होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। अब आप बात आई दोस्तों पोषण क्या होती है दोस्तों, पोषण क्या है, तो पोषण में आप लोग को बताया था, फिर बता रहा है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कराता है। देखिए वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जो भी जीव पोषक तत्व होते हैं जो उनको चलाते हैं, जो उनको आगे बढ़ाते हैं, जो उनको एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो तत्व ग्रहण करते हैं का उनका उपयोग करते हैं तो वो पोषण कहलाता है दोस्तों। पोषण में खाना, हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या हो गया, एक तरह पोषण है, उसमें भी बहुत सारी खाद्य पदार्थ होती है जो हम अपने शरीर में यूज करते हैं, फिर आपको एनर्जी वो देती है, फिर बहुत सारे काम हम लोग कर पाते हैं, पोषण में आ जाता है दोस्तों। अब देखिए इस पोषण में दो तरह की बात बोली जाती है, एक वगैरह है कि जीवों में पोषण मुख्य दो विधि द्वारा होती है दोस्तों, दो विधि, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे कि स्वपोषी और परपोषी दोस्तों। स्वपोषी का मतलब हो गया दोस्तों जो अपने पे आश्रित रहता है, जो दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है, जो खुद के अपने टैलेंट पर अपने पर अपने भोजन स्वयं तैयार करता है वो आपको स्वपोषी हो गया दोस्तों, और परपोषी का मतलब हो गया दोस्तों जो दूसरे पर आश्रित रहता है दोस्तों, ठीक है। तो सभी जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या है, स्वपोषी है, वो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों, वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। परपोषी जो दूसरे पास से होते हैं दोस्तों, जैसे कीट पतंग होते हैं ना, कभी कभी देखे होंगे उनकी भोजनी क्या होती है, तो वो फूलों पे बैठ करके उनका रस पिया करते हैं, तो ये सब हो गया परपोषी, ठीक है। तो इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों, स्वपोषी और परपोषी क्या होती है, क्योंकि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पूछ देगा जाएगा कि जीवों की पोषण मुख्य दो विधियाँ द्वारा होती है, उन विधि का नाम बताइए एवं उन्हें लिखिए, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
तो इसके एक बहुत अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ इस वीडियो को वॉच किए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मेरी मेहनत और आपकी सहयोग से हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग एक परिवार है, राहुल एजुकेशन पॉइंट एक परिवार है। आइए सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जितना हो सके हम सहयोग करेंगे, जितना हो सके आप सहयोग कीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस दोस्तों लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ हट करके दूसरे की कॉपी मत कीजिए, कुछ अगर करना है अलग करना है तो दूसरे का कॉपी करना छोड़ दीजिए अभी से, और अभी तुरंत से छोड़ दीजिए, देखिए आपकी लाइफ बहुत ही आगे तक जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।